हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे नए लेक्चर में। हमारा आज का टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ ए गुडविल एट ए टाइम ऑफ एडमिशन। जब एक पार्टनर का एडमिशन होता है एक फॉर्म में, उस कंडीशन में हम कुछ जनरल एंट्रीज पास आउट करते हैं। उनमें सबसे पहले जनरल एंट्रीज है, जब पार्टनरशिप में एडमिशन होता है तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि क्या हमारी ओल्ड बैलेंस शीट में क्या कोई गुडविल थी। अगर वो गुडविल होती है तो उसके लिए जनरल एंट्री पास होती है ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ये ओल्ड रेशियो में गुडविल डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है ओल्ड पार्टनर को, यानी इस गुडविल में राइट किसका होता है? ओल्ड पार्टनर का, इसलिए ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डेबिट हो जाती है। दूसरी जनरल एंट्री होगी, जब एक पार्टनर आएगा तो अपने हिस्से की वो गुडविल लेके आएगा कैश में और कैपिटल लेके आएगा, ये दो चीज़ें वो लेके आता है। तो इस कंडीशन में जनरल एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। नेक्स्ट जनरल एंट्री होती है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। इस एंट्री का लॉजिक ये है कि जब एक पार्टनर आता है तो जो पहले के पार्टनर होते हैं वो कुछ ना कुछ सेक्रीफाई किए होते हैं, तभी थर्ड पार्टनर आ पाता है या जो भी नया पार्टनर होता है वो आ पाता है। तो जो पार्टनर सेक्रीफाई किए रहेंगे उनको उस गुडविल का पैसा मिलेगा, इसलिए सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है। नेक्स्ट एंट्री है हमारी व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। जब नया पार्टनर आता है लेकिन अपने साथ में गुडविल कैश में लेके नहीं आता है, उस समय जनरल एंट्री पास होगी न्यू पार्टनर करेंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। सेक्रीफाइसिंग या ओल्ड पार्टनर से मतलब है जो सेक्रीफाई कर रहा हो, सेम लॉजिक यहाँ वाला है। तो यही वाली एंट्री इसमें भी पास आउट हो जाएगी। इसके बाद है हमारी नेक्स्ट एंट्री, यानी लास्ट एंट्री में है कि अगर जो पार्टनर हमारा सेक्रीफाई किया है अगर वो गुडविल का पैसा विड्रॉ करना चाहता है तो उस कंडीशन में सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इसी में एक क्वेश्चन और आ सकता है कि सपोज कोई पार्टनर आया है, नया पार्टनर आया है, वो गुडविल का हाफ पैसा कैश लेके आता है और हाफ पैसा कैश में लेके नहीं आ पाता है, तो उस समय दो जनरल एंट्री पास होगी। कौन कौन सी, आइए देख लेते हैं। जितना कैश में प्रीमियम फॉर गुडविल आएगा उसके लिए ये जनरल एंट्री पास आउट हो जाएगी, और जितना करंट अकाउंट में ले आएगा यानी जो कैश में लेके नहीं आएगा उसके लिए ये जनरल एंट्री पास हो जाएगी। तो अल्टीमेटली मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो फाइव जनरल एंट्रीज़ हैं इनके माध्यम से आप क्वेश्चन नंबर 21 से लेके क्वेश्चन नंबर 46 डीके गोयल की बुक से आप आसानी से कर सकते हैं। यही नहीं, एडमिशन आप पार्टनर में जब हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा उसमें भी आपका ये काफ़ी मदद करेगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट जहाँ से कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है वहाँ पे भी ये कैपिटल अकाउंट में पूरा कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट में ये पूरा काम देगा। तो ये जो लॉजिक है अगर आप यहाँ पे समझ जाएंगे तो काफ़ी ईजी होगा आपके लिए आगे चल के। आइए हम एक क्वेश्चन के माध्यम से इसको और अच्छे से जानते हैं। क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 21। एल, एम और एन तीन पार्टनर हैं, उनका आपस में रेशियो है 3:2:1। ओ नाम का एक पार्टनर है, उसका एडमिशन होता है फॉर 1/5 शेयर। ऐसे केस को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, टोटल शेयर मानते हैं 1 रुपीज़, रिमेनिंग हमारा 1-1/5=4/5। अब ध्यान दीजिए, एल का ओल्ड शेयर कितना है, 3/6 है, और रिमेनिंग शेयर जो नए पार्टनर के बाद बचा हुआ है तो 4/5 है। सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 12/30। सेम कॉन्सेप्ट सेम हम इसमें लगाएंगे अगले वाले में, एम वाले पार्टनर में 2/6 ओल्ड रेशियो है और 4/5 न्यू, इनका जो रिमेनिंग वाला पार्ट है मल्टीप्लाई करेंगे 8/30 हो जाएगा। एन हमारा जो ओल्ड पार्टनर था 1/6 × 4/5 = 4/30, और न्यू पार्टनर 1/5 के लिए आया ही है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, तीनों सभी पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिख देंगे। प्रॉफिट शेयरिंग लिखने के बाद यहाँ पे लास्ट वाले का 1/5 है, 1/5 को हम क्या करेंगे सबके डिनोमिनेटर को बराबर करने के लिए एलसीएम लेंगे 30 लेने के बाद हमारा जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आएगा वो आएगा 12:8:4:6। इन सबको आपस में 2 से अगर हम कट कर देंगे तो हमारा स्मॉल हो जाएगा रेशियो, ताकि कैलकुलेशन करने में आसान हो जाए। तो हमारा नया प्रॉफिट रेशियो निकल के आया 6:4:2:3। अब नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकलने के बाद हमारा अगला टॉपिक होता है कि इसमें करना क्या है आगे।
तो अगर आगे चलने के लिए हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फार्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। एल का ओल्ड रेशियो है 3/6 माइनस 6/14 इज इक्वल टू 14, हम एलसीएम ले लेंगे तो 21 माइनस 18 इज इक्वल टू 3/42 आ जाएगा। एम हमारा दूसरा पार्टनर है, उसका 2/6 ओल्ड रेशियो था माइनस 4/14 इज इक्वल टू, यही सेम सॉल्यूशन कर देंगे इसके साथ भी तो आ जाएगा 2/42। एन हमारा थर्ड पार्टनर है 1/6 माइनस 2/14 इज इक्वल टू 1/42। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल गया है 3:2:1। क्वेश्चन में दो केस दिए गए हैं। केस नंबर वन है व्हेन गुडविल इज रिटेन इन द फर्म, अगर गुडविल का पैसा फर्म में रहता है तो जर्नल एंट्री होगी पहले वाली, जब पार्टनर कैश में कैपिटल और गुडविल का पैसा कैश में लाता है तो कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। 4,50,000 की कैपिटल लेके आया है और 1,50,000 का गुडविल लेके आया है, टोटल 6,00,000। नेक्स्ट एंट्री हमारी होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तीन पार्टनर ने सेक्रीफाई किया है, एल एम और एन ने, इनका आपस में 3:2:1 रेशियो है। ये जो 1,50,000 है इसको 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। केस नंबर टू, जब गुडविल का पैसा ओल्ड पार्टनर यानी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर द्वारा विड्रॉल किया जाता है, पहली और दूसरी एंट्री में कोई चेंज नहीं है, यही वाली एंट्री उठ के आई है यहाँ पे। लास्ट वाली एंट्री है ओल्ड पार्टनर इन द सेंस सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और इनका रेशियो होगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग इन द सेंस 3:2:1। यही वाली जो आपने क्रेडिट किया है इसको डेबिट कर देंगे टू बैंक अकाउंट। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये जो पांच मैंने अभी आपको जनरल एंट्रीज बताई हैं, अगर आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे तो मैं 100% श्योर हूँ कि आप ये सारे के सारे क्वेश्चन 21-46 आसानी से कर ले जाएंगे। और अपनी तैयारी आप ऐसे ही करते रहिए, हमारे चैनल के साथ लगातार जुड़े रहिए, आपको अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन मिलते रहेंगे। हम अभी और भी क्वेश्चन ले आएंगे। आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और दोस्तों को शेयर करते रहिए, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। थैंक यू।